She is the chairperson and chief officer of ITP Knowledge Park, Hyderabad. देश में जब ये काम शुरू हुआ अलग तरह के नॉलेज पार्क बने, टेक्नोलॉजी पार्क बने, तो ये मेरे ख्याल से देश का सबसे पहला टेक्नोलॉजी पार्क था जो इसमें उत्पादकता जब से बनी है तब से शुरू हुआ। और मैंने देखा था काफ़ी साल पहले उनका पार्क, उन्होंने क्या किया है कि जो श्रेष्ठतम तकनीकें हैं, मशीन्स हैं, लैब के इक्विपमेंट्स हैं, उनको एक जगह पे ले आए ताकि उन इक्विपमेंट्स की मदद उनको मिले जिनको वो इंफॉर्मेशन देते हैं, जिन्हें एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाते हैं। और शी हैज डन इट, शी हैज पुल्ड द वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, ए वेट लैब, हैविंग आउटस्टैंडिंग सपोर्ट सिस्टम फॉर यंग स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स टू डू देयर रिसर्च, डेवलप देयर बिजनेस विदाउट हैविंग टू इन्वेस्ट इन हैविंग इक्विपमेंट्स। We have Dr. Premnath. He also heads one of the most successful incubator in the formal sector. Dr. Premnath is from National Chemical Laboratory and he is the director of the Venture Center, Center for Polymer Science and Engineering Division. And what is remarkable is about 100 people. How many centers you have? 150 के इंक्यूबेटिंग हैं और 60 लोग रात दिन वही रह के काम करते हैं। उसमें एग्रीकल्चर की भी हैं, सोशल इनोवेशन की भी हैं, लेकिन बहुत सारे टेक्नोलॉजी के हैं, हार्ड टेक्नोलॉजीज के, केमिकल इंजीनियरिंग के, अलग अलग पॉलीमर साइंस के, फूड एंड टेक्नोलॉजी के एंटरप्रेन्योर्स हैं वहाँ पर। एक एंटरप्रेन्योर है जिसने एक लिक्विड बनाया है, तरल पदार्थ बनाया है, एक बार पौधों वेजिटेबल्स को 99% पेस्टिसाइड खत्म हो जाएंगे। क्या नाम था उसका भाई, वो जो पेस्टिसाइड वाला था? ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं वो लोग जिनकी आने वाले समय में बहुत आवश्यकता है। श्री सुनील पारिक, वो बहुत प्रोत्साहन देते हैं इनोवेटर्स को, इंक्यूबेटर जो हैं स्टार्टअप हैं उनको, वो राइडर्स की जो कंपनी है उसके एडवाइज़र हैं, वहाँ पर नए नए काम किए जाएँ हेल्थ सेक्टर में, उसमें उनको अपना मार्गदर्शन देते हैं। और दावोस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसमें भी वो कोशिश करते हैं किस तरह से अनसुनी आवाज़ों को सुना जाए। ज्ञान के बोर्ड के मेम्बर रहे हैं, मेरे पर्सनल मित्र हैं। जब हम लोगों ने CII बनाया था यहाँ पर आया मैं बहुत साल पहले, तो उसमें भी और अब तक उनका सहयोग करते आ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनिल कौर हैं, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी चंडीगढ़। और उनकी एक विशेषता ये है कि अभी आपने सुना होगा थोड़े दिन पहले एक दवाई है टीबी की, मेरे ख्याल से पिछले 30-40 साल में उसके अलावा कोई दवाई नहीं आई थी। उस दवाई के शोधक हैं वो, उन्होंने जब वो दूसरी कंपनी में थे तो वहाँ पर दवाई बनाई थी, जिसकी वजह से हमारे देश के जो टीबी के पेशेंट्स हैं आज उनकी एक बड़ी जो उम्मीद चली है उसके उसका शोध उसका प्रेजेंट उनको जाता है। इसके अलावा इंटेक में उन्होंने फैसिलिटीज बनाई हैं जिसमें पायलट प्लांट भी है उनके पास, कि अगर कोई माइक्रोबियल टेक्नोलॉजीज सूक्ष्म जीवाणुओं से संबंधित कोई काम करता है तो उसको कैसे अपना काम बढ़ाना है उसके लिए बहुत खर्च करने की जरूरत नहीं है। खाली लैब नहीं है, लैब के साथ साथ पायलट प्रोडक्शन की फैसिलिटीज भी हैं, तो आप अपना काम वहीं से शुरू कर सकते हैं। विपिन अभी आ जाएंगे, वो अभी छोड़ने गए हैं। अनामिका कौन है? अनामिका बड़ा अच्छे का दर्द होता है यहाँ पर, ठीक है। तो डॉक्टर अनामिका जो है मेरी वो CEO है ज्ञान की, और ज्ञान है गुजरात ग्रास रूट इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क, देश का पहला ग्रास रूट इंक्यूबेटर 1997 में बनाया था, इनोवेशन इन्वेस्टमेंट एंटरप्राइज। ये सेशन जो है ये सेशन उसी याद को आगे बढ़ाने की बात है कि भाई हमने बाकी में महसूस किया कि इनोवेटर को पता नहीं इन्वेस्टर कहाँ है, इन्वेस्टर को पता नहीं इनोवेटर एंटरप्रेन्योर कहाँ है। हमने ये भी महसूस किया कि बहुत बार इनोवेटर अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं बनते हैं, तो एंटरप्रेन्योर के साथ कैसे जोड़ा जाए उनको ताकि ये एंटरप्राइज का आगे चलेगा। तो श्री लुक साहब का ध्यान हमारे साथ कुछ जमीन से जुड़े हुए इनोवेटर भी हैं। सुभाष शुक्ला जी हैं, खतरा चौथे भैया, इन्होंने क्या किया, जो बॉयलर होता है बॉयलर खोया बनाने की एक पहले मशीन बनाई थी इन्होंने। अब तो बहुत सारी कंपनियां क्या बॉयलर लगाती हैं, 60%
जो है वो स्टीम को रिसाइकिल करते हैं तो ऊर्जा की बचत हो जाती है 80-90% पानी बच जाता है। तो कम पानी से कैसे बॉयलर को काम किया जाएगा ये उनका बहुत बड़ा काम है। उपेंद्र भाई हैं साथ में, उपेंद्र भाई आपका कि ये इन्होंने साथी जो होती है पहले साइकिल चलने वाला यंत्र था जो अंशित भाई ने शुरू किया, इन्होंने आगे बढ़ाया और उसके बाद कैसेस के साथ में इन्होंने इतना अच्छा यंत्र बनाया कि दुनिया में भी पूजा कर गया और अच्छा उसका प्रभाव मिला। वो किसानों के लिए बड़े तरह तरह के यंत्रों में शोध करते रहते हैं। राज कुमार यहाँ नहीं है, हमारे साथ हैं अर्जुन भाई जिन्होंने लकड़ी को बचाने के लिए जब दाह संस्कार करते हैं तो 400 किलो लकड़ी रहती है शरीर पर जलाने में, इन्होंने 100 किलो में वो काम कर दिया तो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। अब सवाल और हमारे साथ रमीश अहमद हैं, ये कश्मीर से आए हैं, इन्होंने अद्भुत काम किया वहाँ पर जहाँ पर आपको समझ खबर मिलती है कि वहाँ पर किस तरह से बच्चों को मिसलीड किया मिसगाइड करके वो लोग पत्थर से जो भी फेंकते हैं जो भी तकलीफें होती हैं ऐसे माहौल में भी बच्चों को पढ़ाना तो जरूरी है, बच्चों को पढ़ाई थोड़ी रोक सकते हैं। तो उन्होंने क्या क्या प्रयोग किए वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए उसका एक नमूना आपको बताएंगे किस तरीके से उन्होंने कश्मीर में पूरी के क्षेत्र में बारामूला के शहर में उन्होंने ऐसा काम किया कि प्राइवेट स्कूलों के बच्चे अब उनके स्कूलों में एडमिशन ले रहे हैं, डेढ़ 300 हो गए, मतलब अद्भुत काम किया है। एक आग लग रही हो चारों तरफ उसके बीच में से कहीं से ठंडी ठंडी हवा आए ऐसा काम उन्होंने अपने स्कूल में किया। हमारे साथ जगदीश पारिक जी हैं जिनको कल पद्मश्री मिला भाई, इन्होंने गोभी की ऐसी किस्म बनाई कि 30-15 साल में 15 किलो का फूल होता है वो तो बात है ही, लेकिन साथ में जो अच्छी बात है कि साल भर आप ताजी गोभी खा सकते हैं ऐसा उन्होंने उसको उन्होंने क्रॉप वैरायटी में कन्वर्ट किया। दुर्गापुर के साइंटिस्ट यहाँ बैठे हैं जिन्होंने उसको टेस्ट किया और साइंटिस्ट ने जूनागढ़ में टेस्ट किया, कल उनको पद्मश्री मिला, इसके लिए एक बार फिर तो मैं अब पैनल को दीपांशिता और अपने नाम से हाथ करता हूँ। हमारा मकसद यही है कि कैसे Thank you.
क्या लोग बन रहे हैं। खासियत यही है कि उसमें जो सोसाइटी जुड़ा हुआ था, ताकि ये दुखद प्रसंग है लकड़ी ज्यादा जाती है तो कम लकड़ी में दाह संस्कार जैसे हो गए। इतना मैंने 40 साल से मेरा अभ्यास है, उसमें से देखा कि भाई कहाँ जब क्या पार्ट में ज्यादा अग्नि लगती है, क्या पार्ट में कम अग्नि लगती है, उसी हिसाब से हमने वो डिजाइन बनाई है। और वो हीट सेविंग करती है और कम समय में और 100 किलो में पूरी विधि विधान के साथ, शास्त्रों में जो विधि होती है वो पूरी विधि विधान के साथ ये उसमें दाह संस्कार हो जाता है। So for those who do not understand this, I just wanted to tell you that he has made a crematorium that's saving a lot of, in crematorium you need about 400 kgs of wood that Dr. Nigupta mentioned. He is able to save the use of wood. That's why it's very energy efficient, and the design of it, maybe at some point of time we can actually look at these designs.